स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में आज दोपहर एक भीषण ब्लास्ट हुआ जिसमें कि एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कर्मचारी राजा चौधरी फैक्ट्री में काम कर रहा था, इस दौरान ब्लास्ट हुआ। जानकारी के मुताबिक कपिल जैन की इंडस्ट्री इलाके में कबाड़ की फैक्ट्री है जिसने की कुछ माह पहले सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो रायपुर से यह माल खरीदा था और कल ही से ट्रक के माध्यम से जबलपुर आधारताल लाया गया था। आज राजा चौधरी जब कबाड़ से भरी पेटी को एक स्थान से दूसरे स्थान रख रहा था उस दौरान ब्लास्ट हुआ जिसकी चपेट में कर्मचारी आ गया। ब्लास्ट की आवाज सुनते ही अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। मालिक कपिल जैन को भी फोन कर मौके पर बुलाया गया। घायल राजा चौधरी को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कबाड़ फैक्ट्री का मालिक कपिल जैन भी शमीम कबाड़ी की तरह आयुध निर्माणियों से कबाड़ खरीदा करता था। पुलिस ब्लास्ट की जांच कर रही है। यह भी पता किया जा रहा है कि आयुध निर्माणियों से कबाड़ के बम खरीदने में कहीं शमीम कबाड़ी से कपिल जैन की कड़ी तो नहीं जुड़ रही है। घटना के बाद कबाड़ फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। वहीं जबलपुर स्थित सीओ के अधिकारियों को घटना की सूचना देते हुए जांच के लिए मौके पर बुलाया गया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि कबाड़ फैक्ट्री के मालिक कपिल जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक की पूछताछ के दौरान कपिल ने बताया है कि यह कबाड़ रायपुर के एक ठेकेदार से उन्होंने खरीदा था और बुधवार को ही ट्रक से जबलपुर लाया गया था। आज जब कबाड़ के बमों को एक जगह से दूसरी जगह रखा जा रहा था उसी समय ब्लास्ट हुआ। फिलहाल एसपी आदित्य प्रताप ने बताया कि पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस रायपुर के ठेकेदार से भी संपर्क कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट में आखिर कैसे आर्मी के डिफ्यूज बमों को बेचा जा रहा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसे ही अभी हम लोगों को मैं और विधायक जी एक मीटिंग में थे वहाँ जानकारी लगी और जैसी लगी हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा पुलिस प्रशासन भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। जांच का कारण पता लगाया जा रहा है, किन वजह से हुई है, क्यों हुई है, कहाँ से ये स्क्रैप आया था, कब आया था, ये सारी चीज़ें अभी जांच के बाद आएंगी और जो भी चीज़ सामने आती है संबंधित विभाग संबंधित एजेंसी जो भी इसमें है उनसे तत्परता के साथ बातचीत भी की जाएगी और इसके कारण भी खोजे जाएंगे। नेकलेंस भी यहाँ पे देखने को मिल रही है क्योंकि लास्ट टाइम भी ब्लास्ट हुआ रहा तो आर्मी से कनेक्टेड था वो भी। अवेयरनेस में जब नहीं आ रही इसीलिए मैंने कहा कि जैसे ही जांच के बाद चीजें सामने आएंगी आपको उसके सामने हम देखेंगे और तत्काल उस पे जो भी कार्रवाई करनी होगी सख्ती से की जाएगी। कबाड़ी अभी तक गिरफ्तार नहीं है, इसको लेकर के प्रशासन ने अभी भी कोई एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन प्रयासरत है और भी चीजें जो है उसको देखेंगे। आ जाओ सब लोग। आया सर, फैक्ट्री में धमाका हुआ है, कितने लोग घायल हैं, कितनी हुई है, क्या हुआ है? देखिए पुलिस को करीब 12:15 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आधारताल इंडस्ट्रियल एरिया में एक वेयरहाउस में एक्सप्लोजन की सूचना है जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ जिससे हॉस्पिटल ले जाने पे उसकी डेथ हो गई। इस सूचना मिलने पे पुलिस की टीम अभी यहाँ पर आई है, हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसमें जो वेयरहाउस के दोनों मालिक हैं उन्हें पुलिस ने कस्टडी में लिया और उनसे पूछताछ चल रही है और हमारी BDDS की टीम और हमारे जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें काम कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में क्या रखा हुआ था, यहाँ पर क्या अभी आपको देखा गया? देखिए स्क्रैप का वेयरहाउस है और इसमें जैसा प्राइमर फेसी अभी जो पूछताछ में प्राइमरी बातें बताई हैं उसमें कि इनके द्वारा कल रात को इस जो स्क्रैप और अन्य जो सामान है उसको यहाँ पर उतारा गया था और आज जो उसमें काम चल रहा था जिसमें जो मजदूर काम करते वक्त उनका कहना है कि कुछ एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर कुछ क्या इसमें धमाका कुछ है कि बम? देखिए अभी प्राइमर फेसी तो धमाके का एविडेंस नहीं है, BDDS टीम जैसा बता रही है, परंतु अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जस्ट घटना हुई है और अभी जो प्राइमरी एविडेंस है उस पर ही हम काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जैसे मैंने बताया वो एक व्यक्ति की कैजुअलिटी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।